मतदान एक ऐसा दान जिसमें मतदाता न सिर्फ खुद का बल्कि अपने आने वाली नस्लों का भी आज और कल बेहतर बना सकता है। आज भारत की राजनीति में वो स्वर्ण समय चल रहा है जिसमें आज का मतदाता जाति, वर्ण और मजहब से परे राजनीतिक दलों के काम को देखकर अपना मत देता है। इसीलिए आप चाहे किसी भी पार्टी के समर्थक हों, पर आपका बहुमूल्य मत दान करने से पहले दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने अब तक जो भी काम किए हैं उस पर जरूर गौर फरमाएं। सीएम बनते ही बिजली के बिल आधे कर दिए, 20,000 लीटर पानी प्रति माह हर परिवार को मुफ्त दिया। दिल्ली प्रदेश का पहला ऐसा राज्य बना जहां एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। भारत में पहली बार दिल्ली के किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिला। केजरीवाल सरकार ने किसानों की जमीन की कीमत 1 करोड़ से बढ़ाकर 3.5 करोड़ रुपए कर दी। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर 250 करोड़ के पुल को 150 करोड़ में और 850 करोड़ के फ्लाईओवर को केवल 600 करोड़ में बनाकर कुल 350 करोड़ रुपए बचाए। यही नहीं, 6 लाख की रिश्वत मांगने पर अपने ही मंत्री को बर्खास्त भी कर दिया। आम आदमी के लिए फुली एयर कंडीशन्ड मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की जिसमें मुफ्त इलाज की सुविधा है और ऐसे 1,000 क्लिनिक और खोले जाएंगे। इसी प्रकार आम आदमी पॉली क्लिनिक की शुरुआत हुई और साथ ही सभी सरकारी अस्पतालों में दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट सब मुफ्त किए। शिक्षा का बजट 5,000 करोड़ से बढ़ाकर दुगना यानी 10,000 करोड़ रुपए कर दिया। 236 नए स्कूलों का निर्माण शुरू करके सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाने का काम शुरू हुआ और साथ ही सभी सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जा रहे हैं। नर्सरी एडमिशन घोटाले पर शिकंजा कसा और मैनेजमेंट कोटा और डोनेशन खत्म कर सबको शिक्षा का एक समान अधिकार दिया और साथ ही उच्च शिक्षा के लिए गरीब को बिना गारंटी 10 लाख का स्टडी लोन दिया। महिला सुरक्षा के लिए बसों में मार्शल तैनात किए। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के शहीद होने पर उनके परिवार को भारत में सबसे ज्यादा पूरे 1 करोड़ रुपए राहत राशि दी। पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगवाने का काम शुरू है और राशन कार्ड बनवाने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया। यही नहीं, सरकारी कामों में एफिडेविट लेने बंद कर दिए और उनकी पूरी प्रक्रिया को सरल कर दिया। गरीब बेटियों की शादी की सहायता राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए यानी दोगुनी कर दी। दिल्ली सरकार जॉब समिट यानी रोजगार मेले का आयोजन किया जिससे युवाओं को नौकरी पाने में आसानी हुई। दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल बिल पास कर दिया गया। जनता को इतना अधिकार दिया कि जनता खुद अपने निर्णय से अपने मोहल्ले का पार्क, सड़कें और पानी यानी बोरवेल जैसे कई काम खुद करवा सके। प्रदूषण कम करने के लिए ऑड इवन स्कीम लागू की जिसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा हुई। मजदूरों और अन्य लोगों का न्यूनतम वेतन बढ़ाया और कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों का कल्याण भी सुनिश्चित किया। अगर आप भी अपने प्रदेश में ऐसे काम होते देखना चाहते हैं तो आज की तारीख में आम आदमी पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। आपका प्रदेश तैयार हो रहा है इस बदलाव के लिए। करो मतदान सोच समझ कर, न आएगा मौका ये हर साल। अगर बनाना है भ्रष्टाचार मुक्त भारत तो बस एक विकल्प है, केजरीवाल। जय हिंद। हाथ में झाड़ू सर पे बाबू।